नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके क्या एग्जाम पैटर्न होंगे, कितनी वैकेंसी होगी और इसके कैसे प्रिपरेशन होगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु जी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैकेंसी है वेरियस स्टेट्स में है, लगभग वैकेंसी 50 के ऊपर जानी चाहिए, अप्रोक्स 50, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में है। तो क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो जो कैंडिडेट है उनको फुल ईयर आपका 4 ईयर्स का आपका बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री होना चाहिए रेगुलर, और ये कैंडिडेट जो है सेप्टेम्बर तक आपके रिजल्ट आ जानी चाहिए। वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, मतलब जो अपियरिंग है और जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, यदि आपकी सितंबर तक आपकी रिजल्ट आ जाती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे पॉइंट है, आपकी हर एक सेमेस्टर में 60% मार्क्स सिक्योर करना होगा। हर एक सेमेस्टर में आपको 60% मिनिमम मार्क्स आपको होना चाहिए, और SC ST कैंडिडेट वालों को आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। जहाँ तक CGPA और UGPA का है तो आप वहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे इसको। फ्रेंड्स, यहाँ पे वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो 2016 के बाद जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, 16, 17, 18, 19, 4 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर MSc किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और MSc के बाद भी जो आपका है वो भी कर सकते हैं। मतलब MSc आप कर रखा है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी, वो UGC रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे 5 CR के कैंडिडेट ही भर सकते हैं, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं, जो भी UGC से रिकॉग्नाइज हैं, आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जो एज की बात की गई है वो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है, और 1 सितंबर 2090 को आपको ये एज होना चाहिए, 30 ईयर्स मैक्सिमम। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है एज में, SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स। यहाँ पे नॉलेज की बात करेंगे तो आपको हिंदी डिजायरेबल है, हिंदी आपका जरूरी नहीं कि आपको हिंदी आना चाहिए, लेकिन हिंदी आप जानने जानिए, और आपका 2 लैंग्वेज मिनिमम आना चाहिए। जो रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे होते हैं, जैसे आपको आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग मिलेगी तो आपकी वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसको आपको आना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है, जिसमें आपको कंपेंसेशन के रूप में 33,300 रुपीज पर मंथ आपको अलाउंस मिलता है वहाँ पे आपका। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगी वहाँ से आपका पे स्केल चालू हो जाएगा, काफ़ी अच्छा पे स्केल मिलेगा, लगभग 37,000 से 70,000 के बीच में आपकी पे स्केल मिल सकती है, जैसा आपको रूरल एरिया मिलेगा उसके बाद। जहाँ तक हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे 2 टाइप का आपका टेस्ट होगा, एक तो ओपन इन्वायरमेंट में होगा और एक क्लोज इन्वायरमेंट में होगा। ओपन इन्वायरमेंट का ये मतलब हुआ कि आप वो टेस्ट कहीं से भी आप दे सकते हैं, साइबर कैफे या फिर खुद का अपना लैपटॉप होगा, आप कहीं से भी आप उस टेस्ट को दे सकते हैं, कहीं से भी रिसोर्स आप करके आप उस टेस्ट को देंगे। लेकिन जहाँ तक आपका सेकेंड टेस्ट की बात आती है, वहाँ पे आपका सेंटर बनाया गया है जो कि लगभग हर एक स्टेट के वहाँ पे कैपिटल में होगा या फिर आसपास होगा आपका सेंटर। आपको 2 सेंटर चूज करना होगा, मिनिमम आपको 2 सेंटर आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट है उसको आप क्वालिफाई करने के बाद आपको ही सेकेंड टेस्ट के लिए मौका मिलेगा। आप सेकेंड टेस्ट निकालेंगे, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। पोस्टिंग आपको पैन इंडिया होगा, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, किसी भी स्टेट में प्रोजेक्ट पे या फिर कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इफको की कोई नई जगह पे, कोई नई कम उनका इफको की कोई नई शाखा वहाँ पे खुली है तो वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे सर्विस बॉन्ड की जहाँ तक बात करेंगे तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 80,000 रुपीज का सर्विस बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 20,000 का। आपको जो कम इफको जो है वो आपका रूरल एरिया में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी, इफको इफको की जो एग्रीकल्चर का जो उनका प्रोडक्ट है उनको सेल करने के लिए या फिर उनकी जो
डेवलपमेंट की बात होती है, इसीलिए एजीटी का पोस्ट रखते हैं कि हमारी क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, वही जानने के लिए आपकी इस पोस्ट को डेवलप किया गया। आपको इस यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। अप्लाई की बात करेंगे तो लास्ट डेट आपका 5 सितंबर है, आप उसके पहले अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जो आपका नाम है वो जो है आपका 10वीं बोर्ड में आपका नाम है वही नाम से आप और फादर्स नेम से आप अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे कि बुक के बारे में और सिलेबस के बारे में, इसकी आखिर सिलेबस क्या है और इसके बुक कौन कौन से होंगे, और इसका जो मेन तैयारी करने का जो कैसे तैयारी हम लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो सिलेबस की, सिलेबस यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग होगा, उसका फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड, उसके बाद फिर आपका जनरल एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। जनरल एग्रीकल्चर आपसे सबके क्वेश्चन मिक्स होंगे, जनरल एग्रीकल्चर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आपकी रूरल, रूरल की बात करेंगे, रूरल जो रूरल की रूरल आपको पढ़ना पड़ेगा, रूरल एग्रीकल्चर या फिर रूरल एनवायरनमेंट जो भी होती है उसका पढ़ना, रूरल इकोनॉमिक्स, आपको इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन कुछ होंगे वहाँ पे, कॉपरेटिव से भी क्वेश्चन होंगे, पंचायती राज से भी क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा जो अभी इंडिया में फिलहाल क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जनरल जीए पूछा जाएगा वहाँ पे। तो आपको लगभग सभी तरह के जनरल एग्रीकल्चर आपको पूछा जाएगा, रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन फिर होगा, फिर आपको रूरल से ही आपको टोटल वहाँ पे आपकी काम करनी है, तो रूरल के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, हर एक स्टेट का वहाँ पे क्या उनके फार्मर की क्या स्थिति है, कितने परसेंट और किस स्टेट में कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आपको जनरल एग्रीकल्चर के लिए आपको बुक जो रिकमेंड कर रहे हैं वो नीम राय सुंडा की बुक आप अच्छे से पढ़िए, और आपकी पंचायती राज कोऑपरेटिव की जो और रूरल डेवलपमेंट की जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा था BSc फोर्थ ईयर में या फिर किसी भी आपकी जो सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा फिर से आप उसको देख लेंगे, रूरल इकोनॉमिक्स को। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे कि आप यदि हमारे व्हाट्सएप क्विज ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कर दीजिए मुझे 9199284565 पे। यहाँ पे मैं आपको लगभग डेली 30 से 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा अकॉर्डिंग टू इफको की सिलेबस के अनुसार। तो आप इस नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे या फिर नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको वहाँ पे पिन कर दूंगा अपना नंबर, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। फ्रेंड्स इससे रिगार्डिंग यदि किसी प्रकार का आपका क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको रिप्लाई करने का। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय जवान जय किसान।